ऐसे टॉपिक पर बात करने का मौका दिया जो आज के समय में बहुत ही ज्वलंत है। सभी लोग घर में बैठे हुए हैं। जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन सभी लोग ये सोच रहे थे कि हमारा 21 दिन जो लॉकडाउन का है वो कैसे कटेगा, हमें क्या करें कि हमारा ये 21 दिन कट जाए। और बहुत से लोगों ने बहुत सी प्लानिंग भी की होगी, लेकिन उसी समय डीएक्शन मैनेजमेंट ने और कुछ लीडर्स ने मिलकर के एक और टेक्नोलॉजी खोज ली, एक और नई व्यवस्था को जन्म दे दिया कि हम ऑनलाइन कैसे व्यस्त रह सकते हैं और हम ऑनलाइन इस मीटिंग्स के माध्यम से कैसे अपनी इंफॉर्मेशन बड़ी कर सकते हैं। और फिर दनादन सभी लोग ऑनलाइन व्यस्त हो गए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, जैसा कि हम जानते भी हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, हम ऑफलाइन मीटिंग्स करते रहे, हम ऑफलाइन बातें करते रहे, हम जाते रहे, लेकिन हमें आवश्यकता पड़ी ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो हमने इस चीज को समझा और हमने क्या किया कि हमने ऑनलाइन की व्यवस्था भी स्थापित कर दी। लेकिन आज जो हम लोग बातचीत करेंगे कि अभी लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में है कुछ जगहों पर और कुछ जगहों पर बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। वैसे तो अति जो भी स्थिति है, आपने जो किया और लॉकडाउन के बाद आपको जो करना है वो सारी चीजें आपको आज मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। टुडे इज माय टॉपिक इज व्हाट टू डू आफ्टर लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन के बाद हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि लॉकडाउन के बाद भी इस लॉकडाउन का हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, हम ऐसा क्या करें कि जो लॉकडाउन के दौरान हमारी कमियां रह गई, हमारा जो नुकसान हो गया या हमारा जो जो हम पीछे चले गए वो हमें समझना है। लेकिन बहुत सी बातें आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले तो एक बात को समझना है कि लॉकडाउन के दौरान भी डीएक्शन लगातार हमारे साथ खड़ा है, डीएक्शन लीडर्स लगातार हमारे साथ खड़े हैं, डीएक्शन मैनेजमेंट लगातार हमारे साथ खड़ा है। और इसी दौरान बहुत से लोग, बहुत सी कंपनीज पैकअप हो गई माय डियर फ्रेंड, बहुत से लोगों के जॉब खत्म हो गए या जॉब खत्म हो जाएंगे, बहुत से लोगों का बिजनेस शून्य पर चला गया, इनकम जीरो पर चली गई। लेकिन उसके बाद भी डीएक्शन ने अभी आज आपको सारा कुछ करते हुए, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करते हुए आपको आज बोनस या तो कल प्रोसेस कर देगा, शायद आज बोनस स्टेटमेंट अपलोड भी हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात को हमको समझना है कि हम लॉकडाउन के दौरान ऐसा क्या करें और लॉकडाउन के बाद ऐसा क्या करें। आज की मीटिंग को मैंने दो हिस्सों में बांटी हुई है, लॉकडाउन के समय हमें क्या करना है और लॉकडाउन के बाद हम क्या करते हैं। आज की मीटिंग को जब दो हिस्सों में मैं बांट रहा था तो मैं सोच भी रहा था कि अभी तो लॉकडाउन लगभग खत्म की ओर है और आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि लॉकडाउन के समय अगर आपने कुछ किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन एक बात यहीं पर ध्यान देने वाली है कि जो आज कोरोना की वजह से हम सब अपने घरों में हैं, बहुत से लोग उसमें से सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत से लोग पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में अछूते नहीं रहे कोरोना वायरस से। आज का अगर मैं आंकड़े पर बात करूं तो कुल केस आज पूरे विश्व में 17 लाख हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड, 17,96,429 केसेस पूरे विश्व में हो चुके हैं। स्वस्थ उनमें से हुए हैं 4,12,000 और मौतें हुई हैं 1,10,000। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्वस्थ हुए केसेस की तो लगभग 4 गुना है
क्योंकि जब भी कोई आंकड़े आते हैं, जब भी कोई व्यवस्था आती है या जब भी कोई इस तरह का क्राइसिस आता है, कोविड-19 ये किसी ने सोचा भी नहीं था, पूरा विश्व हतप्रभ है कि ऐसा क्या हो गया, पूरे विश्व को लॉकडाउन करना पड़ा। वहीं भारत में जो आंकड़े हैं वो है 9172 इतने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, 996 लोग उसमें से हेल्दी हो चुके हैं और मौतें सिर्फ 323 हुई हैं, यानी कि लगभग 3 गुने से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। जब भी कोई व्यवस्था दिखती है उसके दो पहलू होते हैं, जब भी कोई त्रासदी आती है उसके दो पहलू होते हैं, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसके दो पहलू होते हैं, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है उसके दो पहलू होते हैं। आप उन पहलुओं में किस पहलू को पकड़ रहे हैं, आप उन फेजेस में किस एटीट्यूड से उन फेजेस को पकड़ रहे हैं, ये मायने रखता है। बहुत से लोग संघर्ष जब आता है तो टूट जाते हैं, बहुत से लोग समस्या आती है तो टूट जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसी समस्या में निखर भी जाते हैं। ये केसेस जो बता रहे हैं, ये जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मौतें तो हुई है लेकिन उससे भी एक अच्छी बात ये है, बहुत सकारात्मक बात ये है कि 4,12,000 लोग पूरे वर्ल्ड में हेल्दी भी हुए हैं, कोरोना से लड़ करके वापस भी आए हैं। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि हम बहुत कुछ इसके बाद करने वाले हैं। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, आपको क्या करना है, आपको कंप्लीटली डीएक्सएन उत्पाद का सेवन करना है, आपको कंप्लीटली डीएक्सएन उत्पाद का सेवन करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। माय डियर फ्रेंड, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, आरजी जीएल स्पिरुलिना इन सब की खुराक को आप मेंटेन करिए और अपने बॉडी को कोरोना से लड़ने लायक बनाइए, अपनी इम्यूनिटी को कोरोना से लड़ने लायक बनाइए और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करिए, स्ट्रांग करिए। माय डियर फ्रेंड, ये क्लिप आपको बताता है, ये प्रेजेंटेशन आपको बताता है कि आपको इन उत्पादों के माध्यम से क्या करना है। लेकिन जब आप घर पर बैठ रहे हैं, उत्पादों का सेवन कर रहे हैं, तो कुछ और भी काम करिए, वर्ल्ड में जाके अपने को ग्रूम करिए, अपने को तराशिए, अपने को निखारिए, क्योंकि अगर कुल्हाड़ी में धार नहीं दी जाएगी तो कुल्हाड़ी बहुत कम पेड़ काट पाएगी या लकड़ी काट पाएगी। कुल्हाड़ी को शार्प करने की, धार देने की कहानी आप सबने सुनी हुई है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो आप आज जहां पर बैठे हुए हैं, लगातार डीएक्सएन कंपनी और डीएक्सएन आरबीसी आपको एक सिस्टम दे रखा है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, आप वहां पर जाइए, ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करिए। लेकिन ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग जब अटेंड करते हैं तो ईयरफोन कान में लगा लेते हैं या अपना लैपटॉप ऑन कर लेते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। मैं वीडियो भी देख पाता हूँ, बहुत से लोग कभी नाश्ता कर रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड, आप मीटिंग अटेंड करने के पहले सब कुछ कर लीजिए, जो भी करना है, जहां भी जाना है हो लीजिए, सब कर लीजिए, निपट लीजिए, निवृत्त हो लीजिए। सारी चीजों को करने के बाद आप बैठिए, डायरी पेन लेकर के बैठिए। क्यों? क्योंकि हर एक स्पीकर अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता ही करता है, लेकिन बड़ी मेहनत करके वो स्लाइड्स भी लेकर के आता है। उनके पॉइंट्स को नोट करिए। आज के समय में तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि वीडियो बनाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ऑडियो बनाना, ये सब आपके सिस्टम में ही रह जाता है। मीटिंग खत्म आप खोल करके नहीं देखते हैं, लेकिन आपको बहुत जरूरी है कि आप देखें। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आप उसको पलट पाते हैं, आप उसको देख पाते हैं, आप उसको समझ पाते हैं। आप गूगल की शरण में जाइए, आप जो है यूट्यूब पर जाइए, आप बहुत सी किताबों को अगर आपके घर में रखी हुई है तो आप पढ़िए, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन किताबें भी आप देख सकते हैं। आप जाइए और वहां ऑनलाइन बुक्स
दिखती हैं, आप उनमें ऑनलाइन किताब पढ़ सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश सारी चीजें। तो ये बहुत सुनहरा मौका है आपको अपनी स्किल को शार्पन करने का, आपको अपनी पर्सनैलिटी को शार्पन करने का, और घर में रह करके योग, ध्यान, मेडिटेशन, शून्य, ये सब करके अपने माइंड को, अपने बॉडी को एक दूसरे से कोरिलेट कराइए, एक दूसरे के लिए काम करना सिखाइए, और माता पिता के लिए समय दीजिए, पत्नी के लिए समय दीजिए, बच्चों के लिए समय दीजिए, फुलवारी करिए, नई नई रेसिपी सीखिए, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं घर पर रह करके। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या करना है आपको, लॉकडाउन के बाद क्या करना है, इस बात को आपको समझना है। एक बात और मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करना चाहूंगा, अभी लॉकडाउन की स्थिति जो चल रही है, इससे जो आने वाले समय में जो त्रासदी है, कि मैं एक रिक्वेस्ट आपसे यहीं पर करना चाहूंगा कि घर पर रह करके भी फिजूल खर्ची से बचिएगा, बेवजह के खर्च मत कीजिएगा, इधर उधर जा करके कुछ भी नहीं खरीद करके लाइए, जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करना है, इस बात को अच्छे से समझ करके चलना है माय डियर फ्रेंड। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या करना है, हमारा आज का जो सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि लॉकडाउन के बाद हमें क्या करना है, लॉकडाउन के बाद जो हमको करना है वो आज हमको समझना है। हम अपने आप को इस लॉकडाउन के पीरियड में इस तरीके से निखार चुके होंगे, इस तरीके से अपने माइंडसेट को तैयार कर चुके होंगे, इस तरीके से हम अपनी ड्रीम की लिस्ट और प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट तैयार कर चुके होंगे, हम नॉलेज इतना भर चुके होंगे कि ये सब जाकर के मार्केट में विस्फोट करेगा माय डियर फ्रेंड। और विस्फोट क्यों करेगा, क्योंकि हमारी कंपनी का जो बेस है, जो हमारा बेस है, जो हमारे प्रोडक्ट का बेस है, वो क्या है, हम पूरी दुनिया को पिछले 27 सालों से एक ही बात बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो दुनिया की कोई भी समस्या, दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और आज वैज्ञानिक बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में आज डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ये सारी चीजें न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, ये सारी चीजें मीडिया में आ रही हैं, न्यूज पर दिखाया जा रहा है, ये इस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और लोगों को जा करके इस भयावह सच को बता बता करके कि क्या हुआ लोगों के साथ जब लॉकडाउन खत्म होगा, तो भयावह सच को जा करके बता करके और आप अपने डीएक्सएन प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, डीएक्सएन प्रोडक्ट की मार्केटिंग इतनी जबरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं जिसकी अभी आप शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये बेनिफिट आपके लिए तभी होगा जब निकल करके इन न्यूज को, इन न्यूज पेपर्स को, इन चीजों को आप अपने पास रखेंगे, अपनी फाइल मेंटेन करेंगे और लोगों को जाकर के बताएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता का महत्व आज पूरी दुनिया समझ रही है, ये चीज डीएक्सएन के लोग पिछले ना जाने कितने वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं। मुझे आज 10 साल से ज्यादा समय हो गया डीएक्सएन को करते हुए, मैं पिछले 10 साल से ये बात समझा रहा हूं कि किस तरीके से अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रखेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और ये प्रोडक्ट की मार्केट अगर आपने समझ ली तो इन्हीं प्रोडक्ट से आपकी पीवी आती है और इन्हीं पीवी से आपका बोनस आता है। बी क्लियर, टोटली एकदम फोकस्ड आप रहिए कि इन्हीं प्रोडक्ट के दम पर ये सारी चीजें होती हैं। हमारी चाय, हमारा आरजीजीएल, हमारा स्पिरुलिना, ये इतनी तरीके से पर्याप्त है कि आप इनको लोगों को बताइए किस तरीके से ये इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। हर आयुर्वेद, हर एलोपैथ की बात करिए, होम्योपैथ की बात करिए, सारे के सारे जगहों की आप बात करिए, सब लोग एक बात बताने के लिए तैयार हैं कि जैसे COVID-19 से अगर बाहर निकलना है तो इम्यूनिटी अच्छी जिसकी होगी उसको ये रोग ही नहीं होगा, और अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो रोग से बाहर भी आ जाएगा। ये बात हर जगह बताई जा रही है और डीएक्सएन वाले बहुत भाग्यशाली हैं। डॉक्टर लिम को हम सब यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। आप जहाँ पर हैं वहां पर ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए कि ये सोच
आज से 27 साल पहले डॉक्टर लिम ने हमें दे दी थी, हमें उधार दी थी, मार्केट में ला दिया था, और आज हम सब इस चीज के बहुत बहुत आभारी हैं। आज हमारे पास ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनसे कि हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं, कोरोना जैसी महामारी से हम बाहर निकल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस बात को बहुत अच्छे से हमको समझना है। आज हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, यानी कि एक वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक नारियल तेल, एक ऐसा नारियल तेल जिसके अंदर ऐसे तत्व है जिसको माँ का दूसरा दूध बोला गया है, यानी कि नारियल तत्व, नारियल तेल जो है, वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है, ये हमको क्या देता है, हमको ये देता है ऐसे सिस्टम में जहाँ इम्यूनिटी बहुत अच्छी करता है। अगर इस पेपर को हम लोग पढ़ पाए तो एक जगह पर लिखा हुआ है इसके अंदर लॉरिक एसिड होता है, लॉरिक एसिड कई शोधों में हुए इंस्टीट्यूट को बताता है कि वायरस की मेम्ब्रेन ब्रेक कर देता है और छोटे छोटे वायरस समूह बनाने में भी रोकने में मददगार होता है। कोरोना वायरस का आवरण प्रोटीन, लिपिड और फैटी एसिड से निर्मित है जो तैलीय होता है, इसे मोनोलारन भेज सकता है। लैब परीक्षण कोविड-19 को की दवा खोजने पर काम हो सकता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल की, और अभी तो ये कोरोना वायरस है, अगर हम अपनी इम्यूनिटी नहीं अच्छी करेंगे, अगर हम डीएक्सएन के प्रोडक्ट जिस तरह से हैं, अगर ऐसे उत्पादों का सेवन हम नहीं करेंगे तो अभी ना जाने कौन और कोरोना सब आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया के जानलेवा 14 वायरसों पर हो चुका है इसका सफल प्रयोग, यानी कि वर्जिन कोकोनट ऑयल का ऑलरेडी प्रयोग हो चुका है और वहां पर ये लॉरिक एसिड सफल रहा है। ये फैट है और फैट जो है वायरस के फैट के आवरण को तोड़ने में सक्षम है, इसलिए आप भरपूर वर्जिन कोकोनट ऑयल का अपने घर में स्किन पर मसाज करिए, इसको आप खाइए, अपने मुंह में रख करके 3 से 4 मिनट 5 मिनट इससे आप कुल्ली कर सकते हैं, लेकिन वो वर्जिन कोकोनट ऑयल को आपको पेट में नहीं उतार देना है, गटक नहीं जाना है, पी नहीं जाना है, आपको उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो इस बात को हमको समझना है। लॉकडाउन के बाद हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, इस बात को समझिए। लॉकडाउन के दौरान हम महसूस कर पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे, कभी अगर सुबह या शाम को रात में अगर आप अपने घर की छत पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऊपर का वातावरण कितना साफ है, आसमान कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रकृति भी अपने आप को रीसेट कर रही है। माय डियर फ्रेंड, अगर प्रकृति अपने आप को रीसेट कर रही है तो हमारे तो दातो डॉक्टर लिम सियोजिन शून्यता के माध्यम से हमेशा हमको सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को रीसेट करना, हमें हमेशा अपने आप को इस स्थिति में ला करके रखना है कि हम शून्य से अपनी शुरुआत कर सके। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है। पूरी दुनिया अब इस बात को समझने के लिए तैयार हो चुकी है कि इम्यूनिटी का कोई विकल्प नहीं है, न्यूट्रिशन का कोई विकल्प नहीं है, और इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन के मामले में डीएक्सएन के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज लॉकडाउन के फेज में वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने पर जोर दे रही है, और दुनिया भर में आज 88% कंपनियां ऐसी हैं, यानी कि लगभग 90% कंपनियां ऐसी हैं जो कि होम से घर से काम को मंजूरी देती हैं, मंजूरी दे चुकी हैं। आप सोच के जरा देखिए, इस तरह से कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा बचेगा, इस तरह से कंपनियों का तमाम पैसा बचेगा। ये बहुत समझने की जरूरत है, और डीएक्सएन के लोग, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग तो शुरू से ही होम से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, शुरू से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। डीएक्सएन के लोग शुरू से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन इस वर्क फ्रॉम होम के दौरान हमको अभी भी और इसके बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी, सबसे ज्यादा अगर मेहनत कहीं पर करनी है तो अपनी टीम के संपर्क में रहना है।
आज भी अपनी टीम के संपर्क में आप रहिए, लॉकडाउन के बाद भी आपको टीम के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना है। आज अपने टीम के संपर्क में रहिए। क्यों रहिए अपने टीम के संपर्क में माय डियर फ्रेंड? क्योंकि अगर आप टीम के संपर्क में नहीं रहेंगे तो आप उनको नई नई अपडेट्स नहीं दे पाएंगे, सूचनाएं नहीं दे पाएंगे। आपको टीम के संपर्क के साथ साथ यहाँ पर और मैं बोलना चाहूंगा कि घर से काम करिए लेकिन घर का काम भी करिए। लेकिन घर का काम अगर कर रहे हैं तो सिर्फ घर के ही काम में मत रह जाइए। घर से काम मतलब अपने व्यापार पर दिमाग लगाने की बहुत 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 जरूरत है, बहुत जरूरत है। घर पर रह करके काम करिए लेकिन घर के काम में ही सिर्फ व्यस्त मत हो जाइए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहीं पर घर पर रह करके काम करने की बात अगर मैं आपको बोलूं तो अपने रिश्तेदारों को, अपने पुराने पुराने दोस्तों को, अपनी ऐसी तमाम डाउनलाइंस को फोन करिए जो आपसे छूट गए हैं, पिछड़ गए हैं, जिनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप जिनके टच में नहीं है, अभी अभी उनको कॉल लगा लगा करके ये जो ऑनलाइन मीटिंग चल रही है उनको बताइए, जिससे कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर आप कर चुके होंगे, वो प्रोडक्ट आपसे मांग रहे होंगे, आपसे बकवल कह रहे होंगे कि हमको ज्वाइन करना है। बिल्कुल अगर ये सारी चीजें हैं, आप अगर काम करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपके साथ ये होने वाला है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपके पास काम की कमी नहीं होगी, आपके पास काम बहुत ज्यादा होगा। बस जाना है, ज्वाइन कराना है, प्रोडक्ट देना है, जाना है नई फ्रंटलाइन खोलनी है, प्रोडक्ट दिलाना है, जाना है ज्वाइन कराना है और उनके साथ कारोबार करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को आगे लेकर के जाने के लिए एक आपके पास नीति अभी से बनाइए, उस नीति पर काम करिए। उस नीति पर काम करना बहुत 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 जरूरी है। ओम मीटिंग्स आपको बढ़ानी होगी जी, ओम मीटिंग्स। आज अगर दिन भर में आप दो होम मीटिंग्स करते हैं तो वो बढ़ा करके आपको 5 से 6 करनी होगी। दिन भर में अगर आप एक होम मीटिंग करते हैं तो 2 से 3 करनी होगी। जो दिन भर में आप प्रोडक्ट रिटेल करके 200-300-400 रुपए कमाते हैं, जब आप होम मीटिंग बढ़ाएंगे, अभी आप जीरो पर बैठे हुए हैं, अभी आपकी होम मीटिंग्स एक भी नहीं हो रही, अभी आपका रिटेल प्रॉफिट जीरो पर बैठा हुआ है, अभी आपकी पीवी भी नहीं आप मार्केट से कर पा रहे होंगे, तो जब आपका ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको क्या करना होगा? होम मीटिंग्स बढ़ानी होंगी। क्यों होम मीटिंग्स बढ़ानी होगी माय डियर फ्रेंड? क्योंकि होम मीटिंग्स जब आप बढ़ाएंगे तो आपका रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, आपको बढ़ जाएगा। आपने जो इधर नुकसान सहा है वो आपका बढ़ जाएगा। आपने जो पीवी में इधर नुकसान सहा है और उसकी वजह से बोनस में जो नुकसान सहा है वो आपका बोनस बढ़ जाएगा। और इस दौरान जो लॉस हो रहा है ये पूरा पूरा आपका कवर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि इस समय और अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने लॉकडाउन के बाद भी अपने को फिजूल खर्ची से बचाइएगा। एकदम से बाहर मत निकल जाइएगा, एकदम से घर से बाहर ना निकलिएगा, और अगर घर से निकलिएगा भी बाहर तो सुरक्षित तरीके से निकलिएगा, मास्क वगैरह लेकर के, अपने टीटी क्रीम का सैनिटाइजर लेकर के इस तरीके से निकलिएगा। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है इस बात को अभी आप समझ लीजिए। लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया में जॉब जाने वाले हैं, ढेर सारे जॉब जाने वाले हैं। 52% लोग ये बता रहे हैं कि 52% जॉब लेस हो जाएंगे। अगर ये जॉब जाएगा लोगों का तो आपके साथ क्या होने वाला है? यू आर अ एंटरप्रेन्योर, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ नेटवर्कर, यू आर अ डीएक्सएन प्रोफेशनल, आपके पास एक बिग बिग अपॉर्चुनिटी है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का। आपके पास एक बिग बिग अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड कैरियर फॉर अदर्स। आप दूसरे का कैरियर बिल्ड कर सकते हैं और ये ऐसा कैरियर बिल्ड आप करेंगे कि इस कैरियर में बॉस भी आप होंगे, इसमें लॉस भी नहीं होगा, आपका कोई रिस्क भी नहीं है और विन विन सिचुएशन से आप जबरदस्त तरीके से इस व्यापार में अपनी विजय हासिल करेंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे। सोच के देखिए कि क्या होगा जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जॉब जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? बहुत साफ सी बात है माय डियर फ्रेंड, बहुत सी ऐसी कंपनीज होंगी वो अपने आप को सर्वाइव ही नहीं करा पाएंगी। इस लॉकडाउन के दौरान अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका आर्थिक
स्थिति उसकी खराब ना हो जाए। आज भी वो अर्थ को ध्यान दे रहा है, लेकिन वही भारत की अगर बात करते हैं, आर्थिक स्थिति पर ध्यान न दे करके यहाँ पर यहाँ के प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया जीवन की स्थिति पर, लोगों के जीवन को तवज्जो दिया और यहाँ पर लॉकडाउन किया। यही वजह है कि आज का फिगर, आज इंडिया में बहुत कम फिगर है, बहुत कम फिगर है। तो ये लॉकडाउन के बाद आप सोचिए कि क्या होने वाला है। लोगों की बुद्धि खोलने का इतना सुपर और सुपर से भी ऊपर वाला टाइम है। लोगों को ये महसूस कराइए कि आज जब तुमको मैं समझा रहा था, बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, तो तुम अपने जॉब पर 8 घंटे 10 घंटे जाने में इतना ज्यादा व्यस्त थे, इतना ज्यादा व्यस्त थे कि पूछो नहीं। वो सीन सबको याद होगी, सबने न्यूज देखा होगा। मैंने सोचा कि मैं पीपीटी में लगाऊं, फिर मैं नहीं लगाया। वो सीन जब लोग आनंद विहार स्टेशन पर अपने बैग बैगेज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार को लेकर के इधर से उधर भाग रहे थे, भीड़ ही भीड़ थी। आप जरा सोच के देखिए उस भीड़ में कौन लोग थे। उस भीड़ में 95% से ज्यादा वो लोग थे जो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 की नौकरी कर रहे थे। ऐसे लोग वहां पर उस भीड़ में थे। ऐसे लोगों के पास आपके पास आज विकल्प बहुत तगड़ा है। ऐसे लोगों को आज आपको व्यापार समझाना है, व्यापार बताना है। आप जब लॉकडाउन खत्म होगा, ऐसे लोगों को समझाइएगा कि भाई समझ ले, अब जान ले कि अगर अब नहीं जाना तो बहुत देर हो जाएगी। क्या बहुत देर हो जाएगी माय डियर फ्रेंड? अगर इस बात को आपको समझ में आ रहा है तो एक बात अच्छे से समझना है कि जॉन पॉल गेट्टी, जो दुनिया के मल्टी मिलेनियर मल्टी बिलेनियर व्यक्ति हुए, उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था FMCG का कारोबार करो, कभी नौकरी मत करो अगर बहुत अमीर बनना है, हमेशा बिजनेस करो। और उन्होंने एक बात हमेशा बोली कि एक से ज्यादा कारोबार करो। एक से ज्यादा कारोबार करने का सीधा सा मतलब था, उनका बोलने का मतलब था ये चीज, लोगों को आप जाकर के अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अभी नहीं है आपके साथ, DXN में नहीं है, उनको जाकर के बताइए कि एक से ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारे पास 5 घंटे का समय, 2 घंटे का समय, आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय, इस समय को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। इस समय को जब आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या, आपके पास ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके पास एक व्यापार खड़ा होगा, आपके पास पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम खड़ी होगी, आपके पास DXN के माध्यम से एक ऐसी अकूत संपत्ति खड़ी होगी कि आप वो नौकरी से भी नहीं पैदा कर सकते हैं। तो जॉन पॉल गेट्टी ने हमेशा ये बोला कि एक से ज्यादा काम करें। लेकिन मैं यहीं पर अपने तमाम साथियों को जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि एक से ज्यादा काम, एक से ज्यादा बिजनेस करने के लिए बोला था जॉन पॉल गेट्टी ने, लेकिन ये नहीं बोला था कि एक से ज्यादा मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां करें। जी, एक से ज्यादा मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी करके कभी भी आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफल नहीं हो सकते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इकलौती DXN कंपनी को फोकस करना है। क्यों? क्योंकि DXN जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग मेरे को बहुत बार मिलते हैं, कहते हैं आप जो कंपनी कर रहे हैं मैं भी वैसी ही कंपनी से बता रहा हूं। अरे DXN से तुलना कहाँ है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं DXN जैसी। DXN जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। DXN जैसा सिर्फ और सिर्फ DXN ही होता है, और DXN ही है। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है, और हमें कॉपी करके जो भी आएंगे वो फोटोकॉपी है, और फोटोकॉपी की कहीं कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि एक से ज्यादा काम करें। ये लाइन, ये पंचिंग लाइन आप जाकर के जब फील्ड में आप जाएंगे तो उसका आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और जब आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इससे आपका एक जबरदस्त फायदा होगा और लोगों का आप माइंड ओपन कर पाएंगे। अभी अगर आप न्यूज वगैरह पर सर्च करेंगे आपको पता चल रहा होगा, देख रहे होंगे कि लाखों और करोड़ों की मात्रा में लोगों की जॉब जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, और कमर कस करके इस बात को समझिए कि आज आपके पास मौका क्या है। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत ही छोटी सी है। इस कहानी से आपको समझना होगा कि आप किस तरीके से अपने मौके को कैश कर सकते हैं, ये समझिए।
आज अभी अगर हम लोग बात करते हैं, आज बहुत से लोगों के पास ऑनलाइन मौका आ गया। क्या मौका आ गया कि रातों रात ऑनलाइन पैकेज बिकने शुरू हो गए, रातों रात ऐसे ऐसे सिस्टम डेवलप हो गए जो जिनको बेनिफिट मिल रहा है, और एप्स वालों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग करने वालों को एप्स जो है उनको, इन सारे लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है। आप भी इस बात को समझिए उस कहानी के माध्यम से कि आज आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। एक व्यक्ति, उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, वो अपना घोड़ा बेचने के बाजार में जाता है, एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार से कहता है कि साहूकार महोदय, मेरे पास एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर सा घोड़ा है, उसको आप खरीद लीजिए। साहूकार बोलता है ठीक है खरीद लूंगा, कितने का बेच रहे हो? बोला 1000 रुपए का मैं बेच रहा हूँ। साहूकार ने बोला नहीं 1000 तो नहीं दूंगा, मैं 500 रुपए ही दे सकता हूँ, तुम्हें बेचना है तो बताओ। उस आदमी ने सोचा कि 500 रुपए में मुझे तो नुकसान हो जाएगा, मुझे तो नुकसान हो जाएगा, और जब मुझे तो नुकसान हो जाएगा तो 500 रुपए में नहीं बेचूंगा, और वो ये सोच करके वापस घर आ जाता है। वापस जब घर आ जाता है तो वो सोचता है कि, सोचते हुए वापस अपने घर चला जाता है, जाता रहता है रास्ते में कि नुकसान हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब घर पहुंचता है तो घर पहुंच करके वो शॉक्ड रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, उसका घोड़ा जो था वो घर पर मरा हुआ मिलता है। उसका दिमाग थोड़ा सा काम करता है, वो वापस आता है, साहूकार से मिलता है, बोलता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी, वो कहता है साहूकार से ठीक है 500 रुपए ही दे दीजिए और घोड़ा मेरे घर पर है ले लीजिए। वो आदमी साहूकार से 500 रुपए लेकर के वहां से भाग जाता है, चंपत हो जाता है कि साहूकार को जब मरा हुआ घोड़ा देखेगा तो वो मेरे से 500 रुपए भी ले लेगा और मुझे मारेगा अलग से। साहूकार एक प्योर बिजनेसमैन था, जब वो जाता है तो घोड़ा उसको मरा हुआ दिखाई देता है, घोड़ा मरा हुआ रहता है, वो परेशान नहीं होता है, वो वापस अपने घर चला आता है ये सोचते हुए कि यह इस मरे हुए घोड़े से, जहां पर अगर आपको मरा हुआ घोड़ा दे दिया जाए तो आप सोचेंगे क्या करें क्या करें, चलो इसको फूंक ताप करके कहानी खत्म करते हैं, 500 रुपए का नुकसान ही सही। लेकिन वो साहूकार सोचते हुए आया और जब अपनी दुकान पर आया तो उसने लॉटरी निकाल दी, बोला 1 रुपए में घोड़ा ले जाओ, 1 रुपए में घोड़ा ले जाओ, 1 रुपए में घोड़ा ले जाओ। इस तरीके से 10,000 लोगों ने लॉटरी का टिकट ले लिया। बोला शाम को इसका रिजल्ट निकल करके आएगा, शाम को इसका रिजल्ट निकल करके आएगा, और शाम को जब इसका रिजल्ट निकल करके आएगा तब आप लोगों को घोड़ा दिया जाएगा। शाम हुई, लकी ड्रॉ निकला, किसी एक व्यक्ति का लकी ड्रॉ निकला 1 रुपए का घोड़ा, और घोड़ा जब उसको दिखाया गया लकी ड्रॉ निकले हुए को, तो घोड़ा तो मरा हुआ था। वो आग बबूला हो गया आदमी, बोला घोड़ा तो मरा हुआ है। साहूकार ने कहा हाँ मुझसे गलती हो गई, ये लो अपना 1 रुपए और तुम मुझे माफ करो और चले जाओ। वो अपना 1 रुपए देता है और चला जाता है। बात को समझिए, इस कहानी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड, उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे कैश करते हैं। उस साहूकार ने मरे हुए घोड़े से भी व्यापार कर लिया, उस साहूकार ने मरे हुए घोड़े को 500 रुपए में खरीदा था ये सोच करके कि घोड़ा जिंदा होगा, लेकिन उस साहूकार ने उस 500 रुपए की बजाय अपने उस मरे हुए घोड़े से 10,000 से ज्यादा रुपए बनाए। तो आपके सामने मौका है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। ये बात लोगों को भी आपको समझाना है जा करके, और आपको भी खुद समझना है कि आपको एक से ज्यादा काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा, और आपके पास आज एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप जब निकल करके काम करेंगे तो आप क्या 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 कर सकते हैं। लेकिन इन सारे के सारे काम में आप बिल्कुल कदापि ये नहीं भूलिएगा कि आपके पास अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने को घर पर रखने के लिए एक लंबा समय मिला हुआ है, और उसमें आपको अपने प्रोडक्ट के साथ अपने पास हमेशा सचेत रहना है, खाते पीते रहना है और लोगों को खिलाते पिलाते रहना है।
तो इस बात को आपको समझना है। मैंने आज जो बातें आपको की, मैं फिर से आपको थोड़ी सी रिपीट करूंगा और फिर आज के प्रेजेंटेशन को यहीं पर समाप्त करूंगा। मेरी बहुत सिंपल सोवर आदत है कि बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कम समय में ज्यादा बातें करें। आज का जो प्रेजेंटेशन रहा है वो ये जरूर है, इस बात को आपको समझना है माय डियर फ्रेंड, आपकी अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर है कि आपको अपने घर पर बैठ करके अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है, अपनी लिस्ट तैयार करनी है, अपने लोगों के साथ बैठ करके किताबें पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको करना है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब आप निकलेंगे तो लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को जाकर के हिट करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला सिर्फ इकलौता प्रोडक्ट अगर किसी के पास है तो वो डीएक्सन के पास है और डीएक्सन को मैं कर रहा हूं। आप अपने आरजी जीएल स्पिरुलिना चाय वर्जिन कोकोनट ऑयल इन सारे प्रोडक्ट के दम पर जाकर के मार्केट में छाप देंगे, मार्केट को छा लेंगे और लोगों में एक बड़ी बड़ी बिग 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 अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। इस बात को समझिए कि दुनिया भर के लोग होम से घर से रह करके बिजनेस करने के बारे में बात कर रहे हैं। आपको अपने टीम के संपर्क में रहना है, घर से रह करके घर पर रह करके काम करना है, लेकिन होम मीटिंग्स बढ़ानी होंगी, होम मीटिंग्स बढ़ाना होगा, अपना टारगेट डबल करके काम करना होगा, अपना बिजनेस अपना पीवी डबल करके काम करना होगा, तब जाकर के आप अपना लॉस पूरा कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना होगा। ये डाटा आपके सामने है कि 52% से ज्यादा लोगों की नौकरी जाने वाली है और उन लोगों को जाकर के बताइए कि जॉन पॉल गेट्टी के अनुसार एक से ज्यादा काम करें। एक से ज्यादा काम करने का मतलब कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में आ जाओ, बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। ये वेलनेस इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री है कि पॉल जैन पिल्जर जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि आने वाला वक्त वेलनेस का होगा। ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वेलनेस की ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, ये आने वाला वक्त वेलनेस का होगा। और इस वेलनेस को अगर आपने समझा दिया तो दुनिया कर लो मुट्ठी में। तो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को आप समझ सकते हो और उस पावर को समझ करके अपनी नेटवर्क बनाने की इस पावर को लगा दो माय डियर फ्रेंड, जबरदस्त तरीके से जो फील्ड खाली पड़ी है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत बहुत फायदा मिलेगा आपको। सो आज के प्रेजेंटेशन में मैं बहुत ज्यादा बात ना करके बस इतनी ही बातचीत करके यहीं पर विराम करना चाहूंगा। आप सब अपने घर पर सुरक्षित रहिए, अपने घर पर कंप्लीटली सेफ रहिए, घर से व्यापार करिए और कंपनी से जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको समझिए और उसको फॉलो करिए। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सकुशल रहिए, एक दूसरे को फोन करते रहिए, एक दूसरे के संपर्क में फोन के माध्यम से बने रहिए और इस कठिन घड़ी में अपने आप को मजबूती से तैयार रखिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर, गो मिलेनियर,